हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी गाइस। आज हम आए हैं शारजा बीच पे और इस बीच का नाम है अल हिरा बीच। बहुत ही खूबसूरत है, तो हमने डिसाइड किया आज आपको बीच दिखाया जाए, तो चलते हैं। पिजन भी है यहाँ पे, कितने प्यारे कलर हैं इसके। ये तो डांस कर रहा है। को जूम करके दिखाते हैं, ये देखें कैसे आए इंटर रूम। ये बिल्डिंग्स भी नजर आ रही हैं, काफी बड़ा है। ये देखें जी, ये जो पत्थर बीच में रखे हुए हैं इन्होंने आई थिंक वाटर को ज़रा रोकने के लिए और डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया हुआ है। इस पे चढ़ नहीं सकते, उन्होंने मना किया हुआ है। ये देखें यहाँ पर और लोग आना शुरू हो गए हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत पानी है, इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह, ज़रा थोड़ा सा आज सनी डे है तो पानी बहुत शाइन कर रहा है। और यहाँ आपको सी शेल्स भी नज़र आएंगे, ये देखें। जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी, मैंने बहुत सारे सी शेल इकट्ठे किए थे और अब तो यूज्ड टू हो गया, अब इतना नहीं होता। ये देखें, पानी की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है और इसका कलर भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, कराची में समंदर है लेकिन हम कभी गए नहीं हैं उधर पे। एक बार मेरी कज़न की शादी थी और मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे, आई थिंक इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स थे, तो मेरी सारी फैमिली गई थी, मैं नहीं जा सकी थी। तो मुझे बड़ा शौक था वैसे जाने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो शौक़ पूरा हो गया इधर पे बीच से के समंदर सारा देख के। ये देखिए, ये सिक्योरिटी भी है, यहाँ पे गार्ड्स बैठे हुए हैं, अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए तो ये फौरन जो है हेल्प के लिए आ सके। वाह, कितना प्यारा बना हुआ पिघलिया, बोटी बनाई हुई है और फिश बनाई हुई है उन्होंने बच्चों के लिए, स्विंग्स हैं। ये छोटा सा बनाया हुआ, ये टर्किश कैफे है। और ये देखिए इनका सबका जो स्टाइल है वो एक जैसे ही लग रहा है, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। लोग ज़रा शाम में ज़्यादा आना पसंद करते हैं, इसलिए भी आपको क्राउड नहीं नज़र आ रहा। ये थाई कैफे है, ये रही फिली, मेरी फेवरेट चाय है यहाँ इनके पास, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है, ज़ाफ़रान वाली, बहुत ही मुझे फेवरेट है मेरी। और हम जब यहाँ आते हैं ज़रूर पीते हैं, बल्कि ये कई जगह पे है शारजा दुबई में, अजब ही है। और ये है जी अरेबियन फिश हाउस, ये आपको समंदर से मछलियाँ पकड़ के खिलाते हैं।
अपनी पसंद की मछली पकड़ें और इनसे पकवा लें और खा लें। मुझे सी फूड नहीं पसंद। अलहीरा बीच, अलहीरा बीच है और इन्होंने रमजान करीम भी लिखा हुआ है। इंडियन फूड का भी है यहाँ पे, इंडिया पैलेस। ये देखिए, ये भी टेस्टी होता है। इंडिया पैलेस है, कई जगह पे इनका रेस्टोरेंट है। इनका खाना टेस्टी होता है, स्पेशली बिरयानी इनकी टेस्टी होती है। ये देखें जी, ये वॉकिंग ट्रैक भी बनाया हुआ है, कई लोग इधर वॉक करने आते हैं। अच्छा, यूएई की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको प्रे रूम ज़रूर मिलता है। किसी मॉल में चले जाएं, किसी भी इंटरटेनमेंट प्लेसेस पे आप चले जाएं, आपको प्रे रूम ज़रूर मिलता है। वज़ू के लिए वॉशरूम के साथ नहीं बनाया है उन्होंने, सेपरेट है हर जगह, बल्कि ऐसे ही होता है, वज़ू के लिए अलग जगह बनाते हैं। जी गाइज, ये जो आपको दूर बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये अजमान की हैं। ये वाली बिल्डिंग्स जो हैं, ये अजमान की बिल्डिंग्स हैं। ये हम शारजा में हैं और वो उस साइड पे अजमान है। जैसे कि आपको पता है कि यूएई के जो है 7 स्टेट्स हैं, अजमान भी उनमें से एक है। जी, ये जो ब्लू वाला ट्रैक है, ये साइकिलिंग ट्रैक है, और जो रेड कलर था वो वॉकिंग और जॉगिंग के लिए ट्रैक था। और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।